भिंड से बड़ी खबर है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में झड़प का ये मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की पुलिस प्रशासन हरकत में आ चुका है। एसडीआरएफ जवानों सहित नदी में स्टीमर छोड़ा गया है। नदी में सर्च ऑपरेशन जारी है। पूर्व विधायक ने प्रशासन पर आरोप लगाया है। पूर्व विधायक ने देरी से काम करने का आरोप लगाया है। तो भिंड से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में ये झड़प का मामला है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो हरकत में आ गई है। एसडीआरएफ जवान सहित नदी में स्टीमर छोड़ा गया। नदी में सर्च ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन पूर्व विधायक ने प्रशासन पर आरोप लगाया है। विधायक ने आपको बता दें, पूर्व विधायक ने देरी से काम करने का आरोप लगाया। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से झड़प का माहौल यहां पर बना हुआ है। दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नदी में सर्च ऑपरेशन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन पूर्व विधायक ने आरोप लगा दिया प्रशासन पर देरी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने का। जी विनोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, पूर्व विधायक यहाँ जब ग्रामीणों में ज्यादा आक्रोश था तो वो यहाँ पर पहले से मौजूद थे। उन्होंने खुद कहा कि जो है बहुत देरी हो गई और सर्च ऑपरेशन करने में इसको बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए। तब जाके कहीं जब नदी की बीच धार में नाव को छोड़ा गया, स्टीमर को छोड़ा गया, छोड़ने के बाद सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। उधर देखने को ये मिल रहा है कि जो विजय की कल इसमें डूबने से मौत हुई थी उसको भी अस्पताल से वापिस घर ले आया जा रहा है। स्थानीय लोगों में अभी भी बहुत खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और हमको ऐसा लग रहा है, उससे जानकारी मिली है कि जाम की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। जी बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं काफी ज्यादा गुस्सा है लोगों में, साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।